हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, यह 22वां वीडियो है न्यू प्रैक्टिस सेट का, एमपी वर्क 2-3, यूपी टीजीटी पीजीटी, यूपी एलटी ग्रेड, बीपीएससी टीआरई 4, जो भी फिजिकल एजुकेशन कम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मेरे साथ डेली बेसिस से बने रहिए दोस्तों, डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करेंगे तो हर एक दिन कुछ ना कुछ बेहतर ही होते जाएंगे। जैसा कि बीपीएससी टीआरई 3 का आंसर किया गया है, मैंने यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में पोल डाला हुआ है कि किसका कितना नंबर बन रहा है, कितना क्वेश्चन राइट बन रहा है, उसके आधार पर मैं कट ऑफ कल या परसों आपको बताऊंगी कहां तक जा सकता है, आपके पोल के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग नहीं। जैसा कि मैं पिछली बार टीआरई 2 में बताई हुई थी कि 70-75 के बीच जाएगा, तो 80 के आसपास गया था जनरल का कट ऑफ और अदर जो कैटेगरी है उसका भी कट ऑफ। तो पोल के अनुसार मैं आपको बताऊंगी। तो समय नष्ट न करते हुए चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, पता लगाएं कौन सा सीखने का नियम नहीं है, लॉ ऑफ प्रिपरेशन या लॉ ऑफ रेडीनेस यानी तैयारी का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी अभ्यास का नियम। ये तीनों नियम थार्नडाइक के सीखने के मुख्य तीन नियम हैं, जबकि प्रतिक्रिया का नियम नहीं है, लॉ ऑफ फीडबैक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सी हमारी सांस्कृतिक धरोहर है? Which of the following is our cultural heritage? तो दोस्तों, यह सांस्कृतिक धरोहर है खेल। जब बच्चा माँ के पेट में रहता है तभी से ये हलचल शुरू हो जाता है। खेल मनुष्य की सांस्कृतिक धरोहर है। यदि भी खेलों के उद्गम के बारे में इतिहास मौन है, परंतु यह पक्के तौर पर कहा जा सकता है कि आदि मानव के जीवन का मुख्य हिस्सा भी खेल कूद ही था। उसके लिए जीवन की आधारभूत जरूरत थी, क्योंकि उसका अस्तित्व इसी पर टिका हुआ था। आज खेल विश्व सांस्कृतिक धरोहर बन गई है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस प्रकार की अभिप्रेरणा का सिखलाई में अधिक प्रभाव है? विच टाइप ऑफ मोटिवेशन हैज मोर इन्फ्लुएंस इन टीचिंग? तो दोस्तों, दो प्रकार की मोटिवेशन होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल यानी आंतरिक और बाह्य। तो जो आपके अंदर से आवाज़ उठेगा और अंदर से आप संतुष्ट होकर के आंतरिक आवाज़ सुन करके रुचि के साथ कोई कार्य या कोई चीज़ सीखेंगे तो जल्दी से सीखेंगे, और दूसरे की ज़बरदस्ती करने से या दूसरे की प्रेरणा देने से, बाह्य प्रेरणा से प्रभावित होकर करेंगे तो उतना अच्छा नहीं करेंगे। तो किसी भी किस प्रकार की अभिप्रेरणा सिखलाई में या लर्निंग में आपको अधिक प्रभाव डालती है, तो वो होती है आंतरिक अभिप्रेरणा यानी कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन। क्वेश्चन नंबर 4 है, ओलंपिक में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में एक बाधा की ऊंचाई होती है। व्हाट इज द हाइट ऑफ ए हर्डल इन वुमेन्स 100 मीटर हर्डल्स एट ओलंपिक्स? तो दोस्तों, 100 मीटर जो है महिलाओं के लिए होता है और 110 मीटर पुरुषों के लिए, और 400 मीटर महिला पुरुष दोनों के लिए बाधा दौड़ होता है, जिसमें से 100 मीटर बाधा दौड़ की बाधा की ऊंचाई 0.84 मीटर होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। और 110 मीटर पुरुष बाधा दौड़ के लिए बाधा की ऊंचाई 1.067 मीटर होती है, और 400 मीटर पुरुष बाधा दौड़ के लिए 0.914 मीटर बाधा की ऊंचाई होती है, और 400 मीटर महिला के लिए 0.762 मीटर। बाधा दौड़ के वीडियो को जो थ्योरी सेशन है एथलेटिक्स वाले प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए, आपको सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑफ साइड का नियम किस खेल से संबंधित है? ऑफ साइड रूल्स इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो दोस्तों, आप सबको पता है ये फुटबॉल से रिलेटेड है। ऑफ साइड का रूल
फुटबॉल से संबंधित है। यह विश्व का सबसे प्रसिद्ध खेल है जो विश्व के सबसे ज़्यादा देशों में के मध्य खेला जाता है। इसका नियंत्रण जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फेडरेशन एसोसिएशन के द्वारा किया जाता है। ऑफसाइड नियम के अनुसार आगे का खिलाड़ी गेंद के बिना दूसरे बचाव खिलाड़ी के आगे नहीं जा सकता अगर कोई खिलाड़ी सभी विपक्षी खिलाड़ियों से आगे निकल आए और गेंद उसको पास की जाए तो उसे ऑफसाइड करार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किंडरगार्टन पद्धति का विकास किसके द्वारा किया गया? आप सबको पता है यह फ्रोवेल के द्वारा दिया गया। इन्हें किंडरगार्टन के जनक माना जाता है। फ्रोवेल ने प्रथम किंडरगार्टन की स्थापना जर्मनी में 1837 में की थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, इस नाम की अस्थि चोट एक किस्म है जिसमें अस्थि टूट जाती है और उत्तक या धमनी जैसे आंतरिक अंग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इज टाइप ऑफ बोन इंजरी कॉल्ड इन विच द बोन ब्रेक्स एंड इस टिश्यू आर इंटरनल ऑर्गन सच एज आर्टरीज आर डैमेज्ड। तो यहाँ पे ऐसी हड्डी की चोट है जिसमें हड्डियाँ टूट जाती हैं, उत्तक धमनी जैसे आंतरिक अंग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, यानी कि जटिल अस्थि भंग। कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर यानी कि जटिल अस्थि भंग। जैसे कि अस्थि जो फ्रैक्चर होती है, हड्डी की चोटें कई प्रकार की होती हैं। एक होता है साधारण फ्रैक्चर, दोस्तों इतना डिटेल में यहाँ वीडियो पे नहीं बता सकती। आप हड्डी की चोट जब जो बोन इंजरी है फ्रैक्चर है 10-12 प्रकार से मैं बताई हूँ, तो उसको आप स्पोर्ट्स मेडिसिन वाले प्लेलिस्ट में जाइए और सभी देख लीजिए। यानी कि जटिल अस्थि भंग जो होता है, हड्डियाँ टूट कर मुलायम अंगों फेफड़ों हृदय गुर्दे आदि में घुस जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, दो या दो से अधिक हड्डियां जब एक जगह जुड़ती हैं तो क्या कहलाती है? When two or more bones joined at one place, then it is called। तो दोस्तों दो जो हड्डियां एक जगह जुड़ती हैं किसके द्वारा जुड़ती हैं? लिगामेंट के द्वारा, तो यह ज्वाइंट कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ज्वाइंट कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न में से किस रोग के लिए वायरस मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हैजा यानी कि कॉलेरा। यह किससे फैलता है? हैजा यानी कॉलेरा फैलता है विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया से, यानी बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है हैजा, जो आत्व आहार नाल को प्रभावित करता है जिसमें ओमेटिंग एंड दस्त इसके लक्षण होते हैं। एंड जो आपका मलेरिया है यह प्रोटोजोआ से फैलने वाला रोग है जो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है, और जो मनुष्यों में मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। टाइफाइड जिसे हम आंत्रज्वर कहते हैं, जिसे मियादी बुखार मोतीझरा आंत्रज्वर आदि नामों से जाना जाता है, यह साल्मोनेला टाइफी तथा एबस्थैला टाइफी नामक बैक्टीरिया से फैलता है, और यह आंत पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। ज्वर दुर्बलता आंतों में छेद आदि इसके लक्षण हैं। इस प्रकार ये तीनों हैजा मलेरिया टाइफाइड यानी कॉलेरा मलेरिया टाइफाइड ये तीनों बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। जबकि यहाँ पे जो इन्फ्लुएंजा है यह वायरस के द्वारा फैलने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इन्फ्लुएंजा जो है वायरस से फैलने वाला रोग है। इन्फ्लुएंजा को हम प्रतिश्याम या श्लेष्मा ज्वर भी कहते हैं। यह मिक्सो या आर्थोमिक्सो वरीडे या आर्थोमिक्सो वायरस के द्वारा फैलता है इन्फ्लुएंजा। यह भी श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है और इसमें छींक आता है, त्वचा में खराश आती है, आँख और नाक से द्रव बहता है, भूख न लगना आदि इच्छे इसके लक्षण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नमें से कौन सा रोग मनुष्य में वायरस द्वारा उत्पन्न होता है? विच आर द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस इन ह्यूमंस।
तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हैजा कलेरा, अभी जस्ट मैं बताई हूँ, विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया से फैलता है। क्षय रोग यानी कि ट्यूबरकुलोसिस टीबी जो है यह भी बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। ट्यूबरकुलोसिस या टीबी जिसे हम क्षय रोग या बैक्टीरिया तपेदिक कहते हैं, या माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से फैलता है जो फेफड़ों और श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। इसमें ज्वर, खांसी, थूक में रक्त इसका लक्षण है। तीसरा है कुष्ठ रोग यानी कि लेप्रोसी, जिसे हम हैंसेस डिजीज या कोढ़ भी कहते हैं, और यह माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रियम बैक्टीरिया से फैलता है। यह त्वचा, तंत्रिका, म्यूकस, झिल्ली, मेम्ब्रेन को प्रभावित करता है। यह गांठ बन जाता है, हाथ पैर की उंगलियों की ऊतकों का नष्ट होना इसका लक्षण है। डी है आपका चिकन पॉक्स यानी कि छोटी माता, जो वेरी सीला वायरस से फैलता है। जान लीजिए आप कि जो चेचक है स्मॉल पॉक्स वरी ओला वायरस से फैलता है, जबकि छोटी माता चिकन पॉक्स वरी सीला वायरस से फैलता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, वायरस से फैलने वाला रोग यहाँ पे कौन सा है, चिकन पॉक्स। क्या है, चिकन पॉक्स, इसको लघु मसूदीरिका भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, त्वचा की चोट है। तो दोस्तों त्वचा की चोट इसमें कौन है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें स्ट्रेन जो है खिंचाव, यह मांसपेशी तथा टेंडन की चोट है। यह क्या है, मांसपेशी तथा टेंडन की चोट है। इंटरनल एनर्जी, यह भी त्वचा की चोट नहीं है। रगड़ यानी कि एब्रेजन, रबिंग जिसे हम कहते हैं, यह त्वचा की चोट है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एब्रेजन जिसमें लाल पड़ जाना यानी कि मैदान में गिर जाने पर या रगड़ लग जाने पर होता है, इसको टर्फ बर्न एंड मेट बर्न, फ्लोर या सिंडर बर्न आदि नाम से जाना जाता है। खेल मैदान की सतह के आधार पर एब्रेजन को स्ट्रॉबेरी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। जो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है यानी कि खेलों को दो भागों में बांटा गया है, मुलायम ऊतकों की चोटें और कठोर ऊतक की चोटें। तो मुलायम ऊतकों की चोटों को दो भागों में बांटा गया है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी को, माइनर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी और मेजर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। माइनर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में एब्रेजन, इंसीजर्स, लैक्रेशन, पंचर्ड एंड आपका कैलेस एंड ब्लिस एवल्जन आदि आता है। और कठोर ऊतक की चोटें में हमारे हड्डी और जोड़ों का चोट आपका आता है। जो मुलायम ऊतक की चोटें होती हैं इसमें पेशी, टेंडन, लिगामेंट आदि की चोटें आती हैं। और कठोर ऊतक में हड्डी की चोटें, जोड़ों की चोटें आदि आती हैं, बोन इंजरी एंड ज्वाइंट इंजरी। क्वेश्चन नंबर 12 है, विस्फोटक शक्ति का मापन निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। एक्सप्लोसिव पावर इज मेजर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक एक का देखेंगे हम। शटल रन से क्या मापा जाता है, एजिलिटी यानी कि चपलता। सीटअप से हमारे पेट की शक्ति, सहन शक्ति मापा जाता है। एंड लटकना जो हैंगिंग है, इससे हमारे जो शोल्डर्स होते हैं, हमारे बाँह या हाथों की स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस को मेजर किया जाता है। जबकि सीधी खड़ी कूद यानी कि वर्टिकल जंप से हमारे पैरों की विस्फोटक शक्ति यानी एक्सप्लोसिव पावर ऑफ लेग को मेजर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन से प्रशिक्षण ढंग से एरोबिक तथा अनएरोबिक ऊर्जा प्रयोग होती है। विच ट्रेनिंग स्टाइल्स यूज एरोबिक एंड अनएरोबिक एनर्जी। तो दोस्तों ये दोनों एनर्जी एक साथ प्रयोग किया जाता है, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड यानी कि अंतराल प्रशिक्षण में, जिसकी खोज 1920 में किया गया था। इंटरवल ट्रेनिंग मेथड जिसमें अनकम्प्लीट रिकवरी दिया जाता है। अंतराल प्रशिक्षण शरीर के दो ऊर्जा उत्पन्न करने वाले तंत्र एरोबिक तथा अनएरोबिक का पूरा इस्तेमाल होता है। एरोबिक तंत्र वह है जो ऊर्जा को मीलों सैर करने या दौड़ने की आज्ञा देता है, जो ऑक्सीजन का उपयोग शरीर के सभी स्रोतों से कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में बदलने में करता है। अनएरोबिक तंत्र में इसके विपरीत कार्बोहाइड्रेट जो मांसपेशियों में स्टोर है, उनसे ऊर्जा लेकर दौड़ने, कूदने या भारी वजन उठाने में उपयोग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 है,
व्यायाम के दौरान मांसपेशी या तंत्रिका कोशिका में विद्युतीय क्रिया उत्पन्न हो जाती है, तो उसे कहते हैं दोस्तों, उसे हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। इस एक्शन पोटेंशियल के आने के कारण ही हमारा जो मसल्स होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इसे मापा जाता है आपका एंथ्रोपोमेट्रिक, सारे दोस्तों इसको हम मापते हैं एक्शन पोटेंशियल को, अभी जुबान पे नाम नहीं आ रहा है दोस्तों, एक्शन पोटेंशियल को मापा जाता है इलेक्ट्रोमायोग्राफी से मापा जाता है, याद रखिएगा। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में मैंने अच्छे से बताया हुआ है तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा तत्व स्वास्थ्य संबंधी दक्षता का भाग नहीं माना जाता? विच आर द फॉलोइंग इज नॉट कंसाइडेड ए पार्ट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। तो फिजिकल फिटनेस किसे कहते हैं? द डेली रूटीन वर्क विदाउट एनी फटीग, यानी कि डेली के वर्क को बिना थकान के संपन्न करना और आपत्तिकाल के लिए अतिरिक्त ऊर्जा बचाए रखना, उसे हम कहते हैं फिजिकल फिटनेस। यह दो भागों में बांटा गया है, हेल्थ रिलेटेड एंड मोटर स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस। हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस के अंतर्गत मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंड्योरेंस, कार्डियोरेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड बॉडी कंपोजिशन आता है। एंड मोटर स्किल रिलेटेड के अंतर्गत स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड, कोऑर्डिनेशन आता है। तो यहाँ पे आपका कौन नहीं है, तो है कौन, बॉडी कंपोजिशन है, कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ है, मसल्स स्ट्रेंथ है, जबकि रिएक्शन टाइम नहीं है। रिएक्शन टाइम जो है आपका मोटर स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस के अंतर्गत आता है। रिएक्शन टाइम का मतलब होता है यानी कि प्रतिक्रिया योग्यता, यानी जो एक संकेत पर जल्द वो सही रूप से प्रतिक्रिया करती है, यानी आँखों से देखकर, कानों से सुनकर, खेलों के मैदान या स्थिति के अनुसार, जैसे 100 मीटर फराटा दौड़ में बंदूक की आवाज़ सुनते ही संकेत मिलना और तुरंत दौड़ना, स्टार्ट कर देना, इसे हम प्रतिक्रिया योग्यता या रिएक्शन टाइम एबिलिटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, सांस द्वारा खींची गई वायु के शरीर में प्रवेश करने का सही अनुक्रम क्या है? द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ एयर इंटरिंग द बॉडी थ्रू ब्रीदिंग। दोस्तों सबसे पहले नाक में जाता है इंस्पायरेशन के थ्रू, फिर फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों में एल्वोलाइज भी गैसों का आदान प्रदान, ट्रांसफर ऑफ गैस होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, और पहले नाक में गया, फिर फेफड़ों में, फेफड़ों में हृदय की जो पल्मोनरी धमनी जुड़ी होती है, पल्मोनरी धमनी जो है फेफड़ों में अशुद्ध रक्त लेके आती है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को अशुद्ध रक्त कहते हैं, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है फेफड़ों में आ जाता है, और फेफड़ों से एल्वोलाइज से ऑक्सीजन जो है रक्त में चला जाता है, जिस प्रकार रक्त जो है ऑक्सीडेशन हो जाता है यानी शुद्ध हो जाता है, फिर शुद्ध रक्त पल्मोनरी सीरा के द्वारा दाएं हृदय में जाता है, ठीक है, फेफड़ों के बाद हृदय में जाता है, और दाएं अलिंद में जाने के बाद पल्मोनरी सीरा के द्वारा बाएं अलिंद में जाता है, बाएं अलिंद से बाएं नीला यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जुड़ा रहता है आपका एरोटा यानी महाधमनी, उसके बाद एरोटिक वाल्व के रास्ते महाधमनी में जाता है, महाधमनी के द्वारा समस्त कोशिकाओं में पहुंचा दिया जाता है, हृदय के बाद कोशिकाओं में जाता है। तो ये राइट सीक्वेंस है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 आपका कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, मानव हृदय का वजन होता है, व्हाट इज द वेट ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो दोस्तों मानव हृदय का जो सामान्य वजन होता है 250 से 300 ग्राम होता है, लेकिन एक एथलेटिक या प्रशिक्षित व्यक्ति के हृदय का जो वजन होता है 500 ग्राम के लगभग होता है। तो जो है आपको चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, कॉर्फबॉल खेल खेला जाता है, तो कॉर्फबॉल इज अ गेम प्लेड बाय। तो कॉर्फबॉल खेल जो है एक नेटबॉल और बास्केटबॉल की तरह खेल है, जिसे वर्ष 1901 में एमस्टर्डम के शिक्षक द्वारा विकसित किया गया था। यह खेल महिलाओं तथा पुरुषों के संयुक्त खेल के रूप में विकसित किया गया है, यानी कि यह महिलाओं और पुरुषों दोनों के द्वारा, बोथ मेन एंड वुमेन, यानी महिलाओं और पुरुषों दोनों के द्वारा खेला जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है,
ओलंपिक खेलों को एकमात्र उद्देश्य के साथ पुनर्जीवित किया गया। ओलंपिक गेम्स वेयर रिविव्ड विद द सोल पर्पज ऑफ, तो किस पर्पज के द्वारा इसको पुनर्जीवित किया गया दोस्तों? तो आप सबको पता है कि सभी राष्ट्रों को एक करने के उद्देश्य से, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। राष्ट्रों के बीच सौहार्द, समाज और भाईचारे को बढ़ावा या निर्माण देने के लिए, यानी कि टू प्रमोट एंड बिल्ड हार्मनी अंडरस्टैंडिंग एंड ब्रदरहुड अमंगस्ट नेशंस। तो सभी राष्ट्रों के बीच समाज भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए, जैसा कि वहाँ पे ओलंपिक जो प्रतीक चिन्ह तिरंगा ओलंपिक झंडा है उसमें 5 छल्ले जो होते हैं, नीला, पीला, काला, हरा, लाल। जो नीला यूरोप महाद्वीप का प्रतीक, पीला एशिया महाद्वीप का प्रतीक, काला अफ्रीका महाद्वीप का प्रतीक, हरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रतीक, लाल अमेरिका महाद्वीप का प्रतीक। ये पाँचों छल्ले 5 महाद्वीपों के प्रतीक हैं, जो ये दर्शाते हैं कि दुनिया की एकता को दर्शाते हैं। राष्ट्रों के बीच सौहार्द, समाज और भाईचारे को बढ़ावा या निर्माण देने के लिए जो नए आधुनिक ओलंपिक को विकसित किया गया, यानी विश्व के सभी देशों को शारीरिक शिक्षा तथा खेल प्रतियोगिताओं की ओर ध्यान दिलाना इसका पर्पज है, और युवाओं के व्यक्तित्व, चरित्र, स्वास्थ्य, उनमें नागरिकता के गुणों का विकास करना इसका विकसित उद्देश्य था। खिलाड़ियों में अच्छी आदतों का निर्माण करना ताकि वे खुशहाल तथा स्वस्थ जीवन बिता सके। खिलाड़ियों में देशभक्ति व भाईचारे की भावना का विकास करना, अंतर्राष्ट्रीय मैत्री भावना और शांति का विकास करना, जाति, धर्म एवं नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव न होने देना, ये सभी चीज़ें थी दोस्तों इस ओलंपिक से, इस भावना से, उद्देश्य से। कम से कम 8-10 क्वेश्चन पूछे गए हैं BPSC TRE3 में, याद रखिएगा। तो जितने भी लंबे क्वेश्चन थे, आप सभी बोल रहे थे कि बहुत कठिन है, लेकिन लंबे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो समझदारी के बेस पे हैं, लेकिन जो वन लाइनर छोटे क्वेश्चन हैं वो ज़्यादा कठिन है, ऐसे ऐसे पूछ दिया है डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि किसी नॉकआउट टूर्नामेंट में 19 टीम भाग ले रही है तो कितनी बाई दी जाएगी? तो जाहिर सी बात है आप जानते हैं कि नॉकआउट टूर्नामेंट में बाई देने का सूत्र होता है नेक्स्ट पावर ऑफ 2-n, तो यानी टीमों की संख्या नेक्स्ट पावर ऑफ 2 क्या होगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2×2, यानी 2×4×8×16×32, यानी 1, 2, 3, 4, 5, यानी 2 के पावर 5 यहाँ हो जाएगा, तो 32 क्या हो जाएगा, 32-19 कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 में से 3 गया 9 गया 3 और 2 में से 1 गया 1 13, यानी कि कुल कितने बाई दिए जाएंगे, 13 बाई दिए जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, शारीरिक शिक्षक पर शिक्षण भार इनमें से किसके द्वारा निर्धारित होना चाहिए? द टीचिंग लोड ऑन ए फिजिकल एजुकेशन टीचर शुड बी डिटरमिनेट बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। तो शारीरिक शिक्षक पर शिक्षण भार किसके द्वारा इनमें से निर्धारित होना चाहिए? तो दोस्तों कक्षा के अंदर और कक्षा के बाहर किए गए वास्तविक कार्यों की संख्या के आधार पर, नंबर ऑफ एक्चुअल टास्क परफॉर्म इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लासरूम। क्वेश्चन नंबर 22 है, फुटबॉल के खेल में कितने नियम होते हैं? हाउ मेनी रूल आर देयर इन द गेम ऑफ फुटबॉल? तो दोस्तों फुटबॉल के गेम में कुल 17 नियम होते हैं, जिसमें से 17 रूल का मैं नाम बता दे रही हूँ फटाफट से, जैसे कि खेल का मैदान, बॉल, खिलाड़ी, खिलाड़ी के उपकरण, रेफरी, अन्य खेल अधिकारी, खेल का समय, खेल का आरंभ, अपना आरंभ, खेल में बॉल इन और बॉल आउट, खेल के परिणाम व निर्धारण, ऑफ साइड, फाउल एवं कदाचार, फ्री किक, पेनाल्टी किक, थ्रो इन, गोल किक, कॉर्नर किक। क्वेश्चन नंबर 23 है, वॉलीबॉल कोर्ट के रेखांकन में लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? व्हाट इज द विड्थ ऑफ द लाइन इन द ड्राइविंग ऑफ ए वॉलीबॉल कोर्ट? तो दोस्तों ये होती है आपका 5 सेंटीमीटर, कितना होता है 5 सेंटीमीटर। जैसे कि सबसे ज़्यादा आपका होता है फुटबॉल का, फुटबॉल के मैदान की लाइन की मोटाई 5 इंच यानी कि 12.5 सेंटीमीटर, हॉकी की 3 इंच यानी 7.5 सेंटीमीटर, बास्केटबॉल की या वॉलीबॉल की 5 सेंटीमीटर 2 इंच, बैडमिंटन की सबसे कम होती है 4 सेंटीमीटर, याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 24 है, द्रोणाचार्य अर्जुन पुरस्कारों के लिए नाम किसके द्वारा मंगाए जाते हैं? हु इनवाइट्स नेम्स आर द्रोणाचार्य एंड अर्जुन अवार्ड्स? तो दोस्तों यह नाम मंगाए जाते हैं राष्ट्रीय खेल परिसंघ व युवा कार्य और खेल मंत्रालय के द्वारा, यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा मंगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, 11 टीमों में बाइक कितना दी जाएगी? व्हाट विल बी द नंबर ऑफ बाइक अमंग 11 टीम्स? तो दोस्तों सूत्र होता है 2 के नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस एन, यानी कितना है टीमों की संख्या 11, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 × 4 × 8 × 16, यानी कि 2 के पावर 4, तो 16 − 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा बराबर 5, यानी कि बाई कितना दिया जाएगा दोस्तों 5 बाई दिया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, स्वास्थ्य शिक्षा को पूर्ण सफल बनाने में इसमें से किसे अति महत्वपूर्ण माना जाता है? विच आर द फॉलोइंग इज कंसाइडेड एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर मेकिंग हेल्थ एजुकेशन एंड कंप्लीट सक्सेस? तो दोस्तों सक्षम नेतृत्व यानी कि कंपिटेंट लीडरशिप जो है स्वास्थ्य शिक्षा को पूर्ण सफल बनाने में अति महत्वपूर्ण माना जाता है, जो ऑप्शन दिया है उसके अंतर्गत, क्योंकि एक सक्षम नेतृत्व ही सभी आवश्यक निर्णय समय के अनुसार लेकर ऐसे कार्यक्रमों को गतिशील बनाए रखता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, JCR परीक्षण में शामिल है JCR, J से जंप, C से चिन अप, R से रन। जंप में आपका सार्जेंट जंप, C से चिन अप यानी चिन अप हो जाएगा, S से रन यानी शटल रन। ठीक है, सार्जेंट जंप, चिन अप, शटल रन, ये आपके होता है। सार्जेंट जंप में एक्सप्लोसिव पावर ऑफ लेग मापा जाता है, चिन अप में हमारे कंधों और बाहों या हाथों की स्ट्रेंथ एंड्योरेंस को मेजर किया जाता है, शटल रन से एजिलिटी यानी चपलता। क्वेश्चन नंबर 28 है, कृष्णा पुनिया का संबंध है, कृष्णा पुनिया इज रिलेटेड टू? तो दोस्तों कृष्णा पुनिया का संबंध एथलेटिक्स यानी कि तस्तरी फेंक यानी कि डिस्कस थ्रो से है। कृष्णा पुनिया 2006 में दोहा एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीती और 2010 दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली वह पहली भारतीय महिला एथलीट भी है, कृष्णा पुनिया, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, ओलंपिक झंडों में बना पीला गोला किस महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है? द येलो सर्कल इज द ओलंपिक फ्लैग रिप्रेजेंट विच कॉन्टिनेंट? तो किस कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है पीला गोला येलो जो रिंग है? तो आपको जैसे कि नीला, पीला, काला, हरा, लाल, ये पांच छल्ले पांच रंग के होते हैं। नीला यूरोप महाद्वीप का प्रतीक, पीला एशिया महाद्वीप का प्रतीक, ठीक है, तो पीला आपका कौन सा एशिया महाद्वीप का प्रतीक हो जाएगा, काला अफ्रीका महाद्वीप का प्रतीक, हरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रतीक, लाल अमेरिका महाद्वीप का प्रतीक। क्वेश्चन नंबर 30 है, कुश्ती में सर्वप्रथम अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाला कौन था? हु आर द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव अर्जुन अवार्ड इन रेसलिंग? तो वो पर्सन है आपका उदय चंद। कौन है? उदय चंद, 1961 में मिला, उसके बाद 1963 में गणपत अंडलकर को मिला, 1966 में भीम सिंह को, 1969 में चंदगी राम को, 1972 में प्रेमनाथ को, 1974 में सतपाल को, 1982 में मालवा को, 1964 में विश्वम्भर सिंह को, 1967 में मुख्तियार सिंह को, 1970 में सुरेश कुमार को, 1973 में जगरूप सिंह को, 2005 में सुशील कुमार को मिला। याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, और 2009 में योगेश्वर दत्त को अर्जुन अवार्ड मिला। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से किसको समाहित करते हुए शारीरिक शिक्षा एक प्रतिभागी पाठ्यक्रम कार्य के रूप में अपने आप को पढ़ाई वाला वातावरण बनाने में दृढ़ता दिखाती है? फिजिकल एजुकेशन इज कम्पिटेड टू मेकिंग इटसेल्फ ए लर्निंग एनवायरमेंट एज पार्टिसिपेटरी करिकुलम बाई इनकॉर्पोरेटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग? तो किसको समाहित करते हुए फिजिकल टीचर जो है प्रतिभागी कार्यक्रम के रूप में अपने आप को पढ़ाई वाला वातावरण में दृढ़ता दिखाती है? तो दोस्तों वो होता है बाई स्पीड,
स्पोर्ट्स हेल्थ एंड इफिशियंसी, ठीक है, यानी कि गति, खेल और स्वास्थ्य एवं दक्षता। क्वेश्चन नंबर 32 है, शारीरिक शिक्षा की भ्रांतियां हैं, व्हाट इज द मिसकंसेप्शन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो मिसकंसेप्शन यानी फिजिकल एजुकेशन के प्रति भ्रांतियां क्या हैं? तो दोस्तों, शारीरिक शिक्षा के विषय में विभिन्न भ्रांतियों के, विभिन्न व्यक्तियों के मन में विभिन्न प्रकार के मिसकंसेप्शन हैं, भ्रांतियां हैं। कुछ लोग इसे सिर्फ शारीरिक प्रशिक्षण मानते हैं, तो कुछ लोग इसे शरीर स्वस्थ हेतु की गई क्रिया मानते हैं, हालांकि कुछ इसे अनुशासनहीनता पैदा करने की क्रिया मानते हैं। वास्तव में यह मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक यानी मनुष्य के सर्वांगीण विकास करने वाला विषय है, जबकि लोग इसे कुछ और मानते हैं। तो यहाँ पे मिसकंसेप्शन क्या है शारीरिक शिक्षा के प्रति? भ्रांतियाँ हैं शरीर स्वस्थ यानी कि बॉडी बिल्डिंग शारीरिक प्रशिक्षण, कुछ लोग इसे फिजिकल ट्रेनिंग मानते हैं और कुछ लोग इसे अनुशासनहीनता पैदा करना यानी कि क्रिएटिंग इन डिसिप्लिन मानते हैं। तो ऑल ऑफ द एबव यानी कि उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि 400 मीटर की बाधा दौड़ में पुरुषों, कनिष्ठ पुरुषों और युवा लड़कों के लिए दो बाधाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? विच ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू हर्डल्स इन 400 मीटर हर्डल्स फॉर मेन्स, जूनियर्स मेन्स एंड यूथ बॉयज। तो दोस्तों, तो 400 मीटर के बाधाओं के बीच की दूरी जो होती है वो 35 मीटर होती है। कितनी होती है? 35 मीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 34 है, एवरेजन की चोट है, एवरेजन जो रगड़ लग जाना, यह त्वचा की चोट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से कौन सा आसन सांस्कृतिक या दोष निवारक आसन की श्रेणी में आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आसना कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कल्चरल आर दोष निवारक आसना। तो दोस्तों, वह इसके अंतर्गत आ जाएगा चक्रासन, यानी कि चक्रासन। संवर्धनात्मक या सांस्कृतिक आसनों में आपका आता है शीर्षासन, सर्वांगासन, मत्स्यासन, हलासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, चक्रासन, मयूरासन, सिंहासन। इन आसनों का अभ्यास शारीरिक विकास के लिए किया जाता है। इस शरीर के सभी क्रियाओं को व्यवस्थित करके प्राणायाम, प्रत्याहार व धारणा के आदि को सामर्थ्य प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, एक योग से रिलेटेड जो बीपीएससी तैयारी 3 में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए थे, वो भी समझदारी बेस पे अपना अच्छे ढंग से बस समझे हैं। इतना मैं जो वीडियो बनाई हूँ योग से रिलेटेड, उतना ही पढ़े होंगे आप, तो अच्छे से उसको हल कर लिए होंगे। तो दोस्तों, ये था आज के सेशन में 35 एमसीक्यू क्वेश्चंस। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। दोस्तों, जिस भी क्वेश्चन में डाउट होगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को शेयर भी कीजिए, जिससे और लोगों तक वीडियो पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस में, तब तक के लिए जय हिंद।